सब पीपल, दिस इज शुभम श्रीयम एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल ब्लॉगिंग श्रीयम। काफी दिनों के बाद वापस आ चुके हैं एक और नए फोन के कैमरा रिव्यू करने के लिए, और आज का फोन है Realme Narzo 60। तो देखते हैं इसके कैमरा में कितना दम है और Narzo सीरीज का ये फोन। तो माना जाता है कि Realme का बेस्ट सेलिंग फोन है Narzo सीरीज में Narzo 60। तो क्या इसका कैमरा भी उतना अच्छा है जितना इसका सेल्स अच्छा था? लेट्स फाइंड आउट विद दिस वीडियो। और जैसे कि हमारा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है, पहली रिव्यू होगी ब्लॉग की रिव्यू। Realme Narzo 60 तीन कैमरे के साथ आता है, दो रियर में और एक फ्रंट में। तो जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का f2.5 अपर्चर के साथ। वीडियोग्राफी में लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये है कि ये बस 1080p एट 30 fps ही रिकॉर्ड कर सकता है फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस फोन के कैमरे की क्वालिटी कैसी आती है और इसका ब्लॉक टेस्ट भी करेंगे। तो ये है Realme Narzo 60 का मेन कैमरा जो कि है 64 मेगापिक्सल का। और इस फोन की सबसे दुखद बात भी यही है कि इसमें सिर्फ एक ही कैमरा है, मतलब कहने के लिए तो दो कैमरे हैं मगर फंक्शन वाले बस एक ही कैमरा है, सेकंड कैमरा बस नाम का दिया हुआ है। एंड उससे भी बुरी बात ये है कि इसमें 1080p एट 30 fps शूट होता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। बाकी लेट्स सी कैसा इसका फुटेज आता है। तो अभी बज रहे शाम के ऑलमोस्ट 4:30, और अभी का टाइम ऐसा ना कि सन धीरे धीरे फट हो जाता है, इसीलिए अभी एक तरफ लाइट है और एक तरफ पूरी तरीके से शैडो है। तो आप देख सकते हो अभी मैं बिल्कुल सन के साइड में शूट कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। हेलो भैंस, सॉरी हेलो गाइस, मुझे आपसे कोई भैंस नहीं करनी, बहुत लेम जोक था बट ऐसे ही बोल दिया क्योंकि टेस्ट करना था कि इसका हाईलाइट और शैडो का जो बैलेंस है वो कैसा है, वो तो घर पर जाके देखेंगे बट यू कैन सी ओवर देयर। और एक चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगी, दिस फोन हैव नो स्टेबलाइजेशन, मतलब लिटरली है ही नहीं। आप लोग देख भी रहे हो कि किससे मेरा हाथ डोल रहा है एंड मैं इसमें किसी भी तरह का स्टेबलाइजर ऐड नहीं करने वाला हूँ। तो दिस इज द फुटेज स्ट्रेट आउट ऑफ फ्रॉम कैमरा एंड विदाउट एनी कलर ग्रेड। सो दिस फुटेज इज कम फ्रॉम अगेंस्ट द सन, जैसे देख सकते हो सन मेरे पीछे है, मैं थोड़ा आगे, तो यहाँ आपको पता चलेगा डायनेमिक रेंज कैसा है क्योंकि फ़ोन अभी तक मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। तो देखते हैं कि इसका डायनेमिक रेंज कैसा है। और सबसे बुरी बात है ब्लॉगर्स के लिए कि इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं, तो आपको हाथ को पूरा इससे स्ट्रेच करना पड़ेगा तब जाके आपको जो है अच्छा फुटेज देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस फुटेज कम्स फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा विच इज 16 मेगापिक्सल, और इसका मेरे को ठीक लग रहा है स्टेबलाइजेशन, लाइक ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है एज फार एज आई कैन सी। ठीक है, रियर कैम से ठीक है एंड हाईलाइट एंड शैडो का फिर वही पंगा है, ये साइड पूरा बर्न हो चुका है, आधे पेपर ये भी बर्न हो चुका है, तो इस फोन से ब्लॉग करना इज़ क्वाइट मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं है बट क्वालिटी कंटेंट नहीं निकलेगा। बाकी देख लेते हैं अगेंस्ट द सनलाइट। तो अभी सनलाइट ठीक मेरे पीछे है और लेट्स सी अगेंस्ट द सनलाइट कैसा आता है। तो मैं कैमरा कुछ ऐसे कर लेता हूँ एंड कैसा आ रहा है डायनेमिक रेंज देखा जाए। ठीक है, मैनेजेबल है, फ्रंट कैमरा थोड़ा इंप्रेस किया, बैक कैमरा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दिस फोन इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर व्लॉगिंग और नॉट फॉर फिल्म मेकिंग, ये बस नॉर्मल वीडियोज़ निकालने के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही बेकार है। पर अब चेक करते हैं इसके फ़ोटो के बारे में, क्योंकि इसका फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा होता है Narzo का। तो सोचा है क्यों ना अभी का प्यारा सा लोकेशन है और यहाँ पर बैठ के मस्त कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करो, और फोटो के लिए हमारे पास हमारा मॉडल है। ऐसा वीडियो के डिपार्टमेंट में मैं पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। एक तो इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है और दूसरा
कैमरे में फ्लॉ ही फ्लॉज है, जैसे इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, ओवर शार्पन कर देता है, एंड डायनेमिक रेंज तो भैया इसकी बहुत ही बेकार है। आई मीन यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 18,000 to 19,000 रुपीज फॉर दिस फोन, एंड इस फोन में ऐसे बेसिक फीचर्स नहीं है। ब्रांड को एटलीस्ट इस फोन में स्टेबलाइजेशन तो देनी ही चाहिए थी। फ्रंट फेसिंग कैमरा मुझे इसका रियर कैमरे से थोड़ा सा बेहतर लगा, क्योंकि फ्रंट फेसिंग कैमरा में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन दिखा मुझे, मतलब उतना ज्यादा जर्क नहीं कर रहा था जितना उसका रियर कैमरा कर रहा था। फोटो डिपार्टमेंट इसका मुझे अच्छा लगा, बट वही बात है, फोटो में फिर कलर बूस्ट हो रहे हैं। अगर आप AI ऑन करो या ऑफ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपको बूस्टेड कलर वाले फोटोज ही मिलेंगे। और इस फोन की सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे फील हुई वो ये है कि ये फोन ओवरहीट होता है बहुत ज्यादा, जिसके वजह से कैमरा UI लैग देने लगता है और आपका एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है अगर आप इस फोन को धूप में यूज कर रहे हो। तो कुल मिला के डे टाइम में तो मुझे ये फोन इंप्रेस नहीं कर पाया, तो अब देखते हैं क्या ये फोन लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है कि वहां भी। भैया टेस्ट करते इसके कैमरा को मेले में। अभी जस्ट हम लोग मेले से रिकॉर्ड करके आए थे और अभी लगभग अच्छे से लो लाइट है, मतलब लाइट कटी हुई है मार्केट में, बहुत ही कम स्ट्रीट लाइट है। और स्ट्रीट लाइट में हम लोग टेस्ट करेंगे कि इस फोन का लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रियर कैमरा से, जो कि 64 MP f1.8, तो देखते हैं f1.8 का असर दिखता है या नहीं वीडियोग्राफी में। दिस द ब्लॉक टेस्ट फ्रॉम द मेन सेंसर, और कुछ ऐसा फील्ड ऑफ व्यू और कुछ ऐसा लो लाइट का शॉट आ रहा है। बस मेरे सामने बहुत ही फ्यू लाइट जली हुई है, एंड ऑडियो भी पता चल जाएगा कि स्ट्रीट में कैसा ऑडियो मिलने वाला है। एंड दिस द रिजल्ट फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा। और एक चीज़ मेरे को बहुत ही अनॉइंग लग रही है, ये जो लेंस फ्लेयर बन रहा है, ये लगभग हर लाइट में ही लेंस फ्लेयर बन रहा है, जो कि अनॉइंग है। मगर रियर कैमरे से तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है फ्रंट कैमरे की, ये तो मानना पड़ेगा। ओके जी, सो लो लाइट परफॉर्मेंस वॉज गुड, बट वही पंगा है हाईलाइट मैनेजमेंट का, बाकी तस्वीरों में चीज़ें क्लियर रहती है। एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा रियर से अगेन बहुत अच्छा काम करता है, बट मैंने एक इशू इसमें देखी है कि जब भी आप डायरेक्ट लाइट सोर्स के साथ फोटो लोगे तो वहाँ पे बनेगा लेंस फ्लेयर, मतलब बहुत ही अनॉइंग सा लेंस फ्लेयर बनता है और आपके चेहरे पे बिल्कुल इस तरह से आएगा। मतलब नहीं जरूरत है ना हमें एनामॉर्फिक लेंस की, नॉर्मल लेंस से काम चल सकता हमारा, मगर फिर भी पता नहीं कंपनी को क्या चुलम मचा है, एनामॉर्फिक बना दिया फ्रंट कैमरे को। सो वर्डिक्ट तो ये है कि ये फ़ोन व्लॉगिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, आप नॉर्मल यूसेज कर सकते हो फोटोग्राफी वगैरह के लिए, बट वीडियो के डिपार्टमेंट में ये फ़ोन बहुत जगह से लैग करता है। एंड ऑफ कोर्स हीटिंग इशू भी है इसमें, जो कि आपके एक्सपीरियंस को यहाँ से यहाँ तक ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, तो ये दिक्कत है इस फ़ोन में। तो मेरी तरफ से तो इस फ़ोन को एक बिग नो है, मतलब अगर है भी तो उसे बेच दो और एक अच्छा फोन खरीद लो इस प्राइस रेंज में। बहुत अच्छे फोन्स आते हैं जिसमें स्टेबलाइजेशन मिलती है, थोड़ी रिसर्च करो आपको अच्छी फोन मिल जाएगी, दैट इज नॉट अ बिग इशू। खैर तो ये थी कैमरा रिव्यू ऑफ रियलमी Narzo 65G की। नाम तो बड़े 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 कर दिए पर दर्शन काफी छोटे से कर दिए, इसीलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस फोन टू यू। अब बाकी देख लो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।